मऊ जिले में आर्य समाज मंदिर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में विद्यार्थी सृजनोत्सव के तहत सामान्य ज्ञान व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के लगभग 600 बच्चों ने प्रतिभाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के ज्ञान को तरासना है। वहीं विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुधांशु सिंह ने बताया कि आज की प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को आने वाली 21 फरवरी को सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखार कर एक नया आयाम देना है, जिसके तहत आज विद्यार्थी सृजनोत्सव के तहत सामान्य ज्ञान व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कई स्कूलों से आए लगभग 600 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। हम लोग पिछले विगत दिनों से विद्यार्थी सृजनोत्सव करके कार्यक्रम चला रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, जिसमें 14 प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के मद में आज जीके कंपटीशन और निबंध प्रतियोगिता का काम हो रहा है यहाँ पे। ये किस जगह हो रहा है, लगभग कितने? ये आर्य समाज में हो रहा है। कितने संख्या में बच्चे हैं? बाल विद्या मंदिर, इसमें विद्यार्थी करीबन 500-600 करीब में विद्यार्थी हैं। इसका निर्णायक जो रिजल्ट है वो कब प्राप्त होगा बच्चों? 21 तारीख को, आने वाले 21 फरवरी को इसका निर्णायक रिजल्ट पता चलेगा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी जिनके में अपने में आप में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मऊ के द्वारा किया जा रहा है, विद्यार्थी सृजनोत्सव कार्यक्रम के द्वारा। टॉप इसमें आए हुए बच्चों के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी आगे? क्या जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप 10 में आएंगे, उनको बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 21 तारीख को, फरवरी को, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। किस जगह यह कार्यक्रम होगा? ये अभी स्थान तय नहीं है, स्थान तय हो जाने के बाद विद्यार्थियों को सूचना की जाएगी।